अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे अपने घरों में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, जो सबका मसला है, मेरा मसला है, आपका मसला है और आपका भी मसला है, हाँ जी, वो है ओपन पोर्स। ओपन पोर्स बनते क्यों हैं? ओपन पोर्स इसलिए बनते हैं कि हमारे पिंपल निकल आते हैं और हम छेड़ने से बाज नहीं आते। पिंपल को गुदगुदी गुदगुदी करते रहते हैं, जिसकी वजह से पिंपल हमारा छिड़ जाता है। कहता है छेड़ दिया तो चलो जी ओपन पोर हम यहाँ पे बना देते हैं, या तो निशान पड़ जाता है या तो ओपन पोर बन जाता है, ठीक है। दूसरी वजह ये हो जाती है कि हमारे फेस पे ऑयल बहुत ज़्यादा आता है, हम सुस्ती का मुजाहरा करते हुए मुँह नहीं अपना धोते, जिसकी वजह से हमारे ओपन पोर्स खुल जाते हैं, ठीक है। तीसरी वजह ये हो जाती है कि हम लोग पार्लर्स में जाके फेशियल वगैरह और बाकी ज़्यादा ट्रीटमेंट्स और रगड़ा बहुत चढ़ाते हैं मुंह पे, जिसकी वजह से हमारे ओपन पोर्स खुल जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा हाथ मुंह पे हाथ सॉफ्ट रखना चाहिए। जिस एक या दो बंदों का जिनका हाथ लग रहा हो, उन्हीं का हाथ बेस्ट होता है। डिफरेंट हाथ ट्राई नहीं करने चाहिए मुँह पे, जिसकी वजह से स्किन ख़राब हो जाती है और ओपन पोर्स बन जाते हैं, ठीक है जी। तो कुछ लड़कियां कहती हैं ओपन पोर्स के बारे में कि हमें इसका परमानेंट सॉल्यूशन, कोई देसी टोटका परमानेंट बताएं और कोई ऐसी चीज़ बताएं जिसकी वजह से हमारे परमानेंट ओपन पोर्स ख़त्म हो जाए। पहली बात तो ये परमानेंट ख़त्म नहीं होते, ओपन पोर्स श्रिंक हो जाते हैं जब तक आप लोग केयर करते रहोगे। जब अपनी केयर करनी छोड़ दोगे, अपने फेस का ध्यान नहीं दोगे, तो दोबारा आपके पोर्स मोस्ट प्रॉब्ली खुल जाते हैं, ठीक है। वो श्रिंक जो हुए होते हैं वो दोबारा अपने वापस अपनी हालत में आ जाते हैं। और अगर बिल्कुल सही करवाने हैं आपने पोर्स, उसके लिए ट्रीटमेंट्स होती हैं जो स्किन स्पेशलिस्ट करते हैं, जिसको कहते हैं माइक्रो नीडलिंग और फिलर्स जिसको कहते होते हैं, ठीक है। वो करवाने से वो आपकी स्किन स्मूथ हो जाती है और ओपन पोर्स आपके बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग देसी टोटकन की और ऑइंटमेंट की बात करेंगे या कोई भी क्रीम वगैरह लगाने से ओपन पोर्स बंद हो जाते हैं, वक्ती तौर पर असर करता है, लेकिन जब आप छोड़ देते हैं तो दोबारा ओपन पोर्स हो जाते हैं। इसलिए अपनी स्किन की केयर करते रहना चाहिए। जिस तरह स्टार्टिंग में हफ्ता दो हफ्ते केयर करो रेगुलर, उसके बाद वीकली बेसिस पे आ जाना चाहिए। हर वीक एक दफ़ा करना ही करना है। बेशक अपने फ़ोन में अलार्म सेट कर लो केयर करने का कि 12 बजे सुबह करना ही करना है। अलार्म लगा होगा, अलार्म बजेगा तो आपको याद आ जाएगा, थोड़ी मोटिवेशन भी मिल जाती है, वरना सुस्ती होती है, बंदा नहीं कर सकता। आज की वीडियो के जो दो मेन इन्ग्रीडियंट्स हैं, बहुत सिंपल से हैं, हर घर में मौजूद होंगे वो, ठीक है। सबसे पहले तो आ जाता है कि आप लोगों ने एक बिल्कुल पका हुआ राइप बनाना लेना है। जिसकी स्किन थोड़ी ब्लैक हुई हो तो ज़्यादा असर करेगा। दूसरा भी बनाना होगा असर करेगा, लेकिन इस ये वाला बनाना ज़्यादा असर करता है, ठीक है। दूसरा आपको चाहिए एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, सिंपल विनेगर लेकिन यूज़ नहीं करना, एप्पल साइडर विनेगर ही आपने यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे पोर्स हैं, यहाँ भी किसी के होते हैं, यहाँ होते हैं, नाक पे होते हैं, जहाँ भी होते हैं, आपने किस तरह करना है, हम सबसे पहले एक बनाना लेंगे, उसको यूँ देखो इस तरह का बनाना होना चाहिए अंदर से, ठीक है। फिर हमने इसका क्या करना है, इसके छिलके से हमने उतारना है। फोक लिया, इसके छिलके से ये देखो बनाना का छिलके से हमने ये इसका सारा पल्प उतार लेना है। उतारते हैं और फिर मैं वापस आती हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो अब मैंने बनाने के छिलके से ये देखिएगा सफाया हो चुका है, आधे छिलके से ये उतार लिया है, ठीक है, ये उतर गया, सारा काम हो गया ये वाला। उसके बाद हमने क्या करना है, एप्पल साइडर विनेगर लेना है और इसके अंदर 4 स्प्रे कर दो, ठीक है। जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो एप्पल साइडर विनेगर को स्किप कर दे, सिर्फ बनाने का छिलका लगा लें। अगर जिसको बनाना सूट नहीं करता वो एप्पल साइडर लगा ले, एप्पल साइडर सूट नहीं करता बनाना लगा ले। ये दोनों ही चीज़ें श्रिंक करती हैं पोर्स को, आपकी मर्जी है। अगर दोनों इकट्ठे लगा लेंगे तो वाओ अमेजिंग हो जाएगा, अमेजिंग, ठीक है ना। अच्छा जी, इसको अब हमने मैश 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 नज़र आ रहा है ये, ठीक है। इसको हल्का सा हमने एप्पल साइडर विनेगर में मिक्स कर देना है। 4 डाल लो पंप या मर्जी है, लो पढ़ो पंजवा, ठीक है। ये हमने 5 डाल दी। अब हमने क्या करना है, एज यूजुअल लट्टे साइड पे, मैं लट्टे इसलिए निकालता हूँ मुँह मेरा बड़ा है ना, छोटा लगना शुरू होता है, ठीक है। अब हमने अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए जहाँ जहाँ ओपन पोर्स हैं, मैं वीक में एक दफ़ा करती करती हूँ, ये देखो मेरे ओपन पोर्स नहीं हैं, ठीक है, देख सकते हो। ये वीक में पहले मैंने 4 दिन रेगुलर किया है, उसके बाद मैं हर वीक करती हूँ, मेरे ओपन पोर्स बिल्कुल भी नहीं है। छोटे छोटे होते हैं, जब मैं ज़्यादा मेकअप कर लूँ, बेस लगा लूँ, वो फिर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। ये वीडियो मैंने पहले ही बना लेनी थी, रात को मैं उठी 2 बजे बड़ी अपनी तरफ से बन के ना, ईमान और अपने मियाँ को सला के,
जनाब साहब जैसे ही मैं उठी हूँ साथ ही बेड करता ची। चलो जी आज तक बेड ने कभी ची नहीं किया कल करता ची। तो साथ ही जनाब साहब मेरे मियाँ की आँख खुल गई। तो आँख खोलते सर कहता फेंटी तुम अपनी खुद लगाओगी या मैं तुम्हारे लगाऊँ मैंने कहा मैं खुद ही लगा लेती हूँ, मैं लेट रही हूँ, मैं नहीं बनाती। फिर मैं ना जनाब साहब सो गई और इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैं अब ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है ये हमने लगा दिया। अब हमने कितनी देर वेट करना है? अब हमने वेट करना है 10 मिनट। 10 मिनट नहीं कर सकते 5 मिनट कर लो, 5 मिनट नहीं कर सकते 2 मिनट कर लो, 2 मिनट नहीं कर सकते 1 मिनट कर लो। ठीक है मकसद ये है कि आपकी स्किन को लगना चाहिए ऊपर, कि आपकी स्किन को पता चले कोई चीज़ लगी है। ठीक है जो बहुत लोग बिजी हैं कोशिश करो 2 मिनट कम कम से कम लगा लो। अगर जो लोग बहुत वेले हैं, बहुत वेले हैं ठीक है ना, वो 5 से 10 मिनट लगा लें। ठीक है अगर इरिटेशन हो रही है तो सिर्फ बनाना लगा लो, एप्पल साइडर वाइन किसी किसी स्किन पे किसी किसी स्किन पे सूट नहीं करता होता। ठीक है तो अब मैंने ये लगा ली, जिसके यहाँ पे है यहाँ लगा देगा, यहाँ पे है यहाँ लगा देगा, जितने जितने है गए उतने उतने ला दो। ठीक है अब मैं जाती हूँ और आती हूँ 5 से 6 मिनट के बाद वापस। ठीक है अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम अगेन। और अब मेरे 6 मिनट हो गए। ठीक है 6 मिनट से वैसे मेरे कम ही हुए हैं, 4 मिनट हुए हैं। ठीक है मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था मैंने कहा फटाफट वीडियो बना लो। तो हमने वही वाला छिलका लेना है जिसके ऊपर से हमने अपना ये सारा उतारा था बनाना का, इसको हमने हाफ़ कर लेना है। ठीक है उसके बाद हाफ़ करने के बाद ये स्किन पे उतारने से पहले, मुंह धोने से पहले छिलके को पूरे मुंह पे ऐसे कर लो। बनाना इज़ वेरी गुड। जो छिलके वो बनाना होगा ना ज़ाया ना करना, खा लेना। ये ना मम्मी चित्र उठा ले, बनाने कितने ज़ाया कर रहे हो बच्चों। बनाने का छिलका इस्तेमाल करो और बनाना खा लो, अंदर के ऊपर पोर्स भी बंद हो जाएंगे। ठीक है हाय ठीक है अच्छी तरह हल्के हाथों के साथ अभी दूसरा ले लेते हैं। ठीक है अच्छा जी अब ये मैंने अपने मुंह की मसाज कर ली है और अब मैंने क्या करना है 1 मिनट और इंतज़ार, उसके बाद अपना मुंह ठंडे पानी के साथ धो लेना है। ठंडे पानी के साथ धोना है, गर्म पानी से बिल्कुल मुंह नहीं धोना। ठंडे पानी से मुंह धोगे पोर्स और श्रिंक हो जाएंगे, गर्म पानी से धोगे पोर्स ई करके खुल जाएंगे। ठीक है इसलिए हमने गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना मुंह धोने के वक्त, हमने ठंडा पानी इस्तेमाल करना है। मैं 1 मिनट बाद मुंह धोके वापस आती हूँ। ठीक है तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। हाँ जी जनाब अब मैंने मुँह धो लिया है और जितनी कंटूरिंग की हुई थी मैंने सारी मेरी उतर गई है। मैं कहा ज़रा कंटूरिंग थोड़ी सी कर लेती हूँ। ठीक है चलो जी ये थोड़े से 2-3 पिंपल छोटे छोटे से निकले हैं। ठीक है मुंह साफ कर लिया हमने, उसके बाद हमने क्या करना है ये ऑप्शनल स्टेप है, मैं करती होती हूँ। अगर जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो इसको स्किप कर दें, जिनकी रगड़ मगड़ है स्किन जिनका हर कुछ सब कुछ लगा लेते हैं वो ये कर लें। नाक में चला गया। ठीक है ये स्टेप था लास्ट, ये आप लोग हफ्ते में एक दफा कर लो, एक दफा कर लो ठीक है ना। बहन की गारंटी है कि आप लोग के ओपन पोर्स श्रिंक हो जाएंगे और बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि ओपन पोर्स हैं, रिलैक्स हों। और बेस लगाने से पहले कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लिया करें, कोशिश किया कर जहाँ पे ओपन पोर्स हो ना वहाँ पे बहुत पतली लेयर लगाए ताकि ओपन पोर्स हमारे मजीद डिस्टर्ब ना हो। ठीक है जी बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, अपनी दुआओं में मुझे बहुत याद रखिएगा और अल्लाह ने ये बान। अल्लाह हाफिज़।